सोना रोड स्थित सैनी नर्सरी के समीप 3 दिन पूर्व बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों द्वारा एक 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपराध जांच शाखा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए 1 दिन के रिमांड पर लिया और रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से वारदात में प्रयोग की गई एक पिस्टल, 3 राउंड, 2 मैगजीन व एक बाइक को बरामद कर लिया गया है। अपराध जांच शाखा प्रभारी विश्व गौरव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पलवल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी रोहित का यश तिवारी के साथ किसी बात को लेकर वर्ष 2019 में झगड़ा हुआ था। यश तभी से रोहित से रंजिश रखे हुए था। शनिवार को यश रोहित के घर पहुंच गया और उससे मिलने के लिए कहा। रोहित की मां ने अपने फोन से यश से बात कराई तो यश ने मिलने की इच्छा जताई। रोहित ने कहा कि वह सोना रोड स्थित सैनी नर्सरी के समीप मौजूद है, उसके साथ जयंतीपुरा मोहल्ला निवासी राजवीर मौजूद था। कुछ देर बाद यश बाइक पर सवार होकर मौके पर आ गया, उसके साथ एक अन्य युवक भी था। कुछ देर बात करने के बाद यश ने बंदूक निकाली और रोहित पर चला दी, परंतु गोली नहीं चली। मौका देख रोहित खेतों की तरफ भाग गया, जिसके बाद उसने मौके पर खड़े राजवीर के सीने में मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शहर थाना पुलिस ने मामले में जयंतीपुरा मोहल्ला निवासी मृतक राजवीर के भाई राजू की शिकायत पर एक नामजद सहित 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। गत 12 दिसंबर को अपराध जांच शाखा पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राजवीर की गोली मारकर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी यश किठवाड़ी चौक पर मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम गठित करके मौके पर दबिश देकर आरोपी को काबू किया गया और जब आरोपी से गहनता से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद आरोपी को अदालत में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से वारदात में प्रयोग की गई बाइक, एक पिस्टल, 3 राउंड व 2 मैगजीन बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी का एक अन्य साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है, जिसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये 12-12 को गिरफ्तार किया किठवाड़ी चौक पलवल से। पूरा मामला क्या है सर? ये एक रोहित नाम का लड़का है, जो जिससे इसकी यश तिवारी की दुश्मनी थी, काफ़ी दिनों से रंजिश चल रही थी। अभी ये प्रोपेक्स सिटी के पास रोहित और राजवीर दोनों इसे मिले हैं, वहाँ इनकी आपस में कोई बहस हुई। बहस के दौरान इसने उसे रोहित को गोली मारने की कोशिश की, जो मिस हो गई। रोहित वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद उसने ये राजवीर को गोली मार दी। सर इस वारदात में यश कहलाता है, इसके साथ कोई और? नहीं, इसके साथ एक बंदा और है, वो भी फरार है, जैसे ही मिलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात में होने वाला हथियार यूज बरामद कर लिया गया? हाँ, एक पिस्टल के लिए है, 3 राउंड हैं और उसके साथ एक मैगजीन अलग से है और एक मोटरसाइकिल है। रंजिश काफ़ी पुरानी है, इसने इनके साथ क्या नाम, इन्होंने क्या नाम, इसने यश तिवारी ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा पहले।